नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत की मौजूदगी में अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारत की मेजबानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुक्रवार को दिल्ली में संपन्न हुई। मीटिंग के बाद जारी साझा बयान में इंडो पैसिफिक के विकास के क्वाड ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। G20 की बैठक में जहां यूक्रेन के मुद्दे को लेकर कोई साझा बयान जारी नहीं हो सका, वहीं क्वाड की बैठक में यूक्रेन मुद्दे का जिक्र भी हुआ और सबकी सहमति से एक साझा बयान भी जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन के मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए। सदस्य देशों ने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि परमाणु हमले की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्वाड की बैठक में जापान के विदेश मंत्री योशिमाशा हयाशी ने भी हिस्सा लिया। हयाशी G20 की बैठक में संसदीय कामकाज के शामिल नहीं हो सके थे। बैठक में मेजबान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हयाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हिस्सा लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेज़न पे पर RBI ने लगाया 3.06 करोड़ की पेनल्टी, KYC नियमों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने शुक्रवार को अमेज़न पे प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कंपनी नो योर कस्टमर यानी कि KYC से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। RBI ने कहा कि पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 30 के तहत जुर्माना लगाया गया है। RBI ने पूछा कि जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। RBI ने इसे लेकर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद RBI ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाने का फैसला लिया। यह जुर्माना ऐसे समय में आया है जब RBI देश में फिटनेस और बिग टैंक फर्मों के लिए अपनी कंप्लायंट रिक्वायरमेंट को सख्त कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सेबी बैन अरशद वारसी, हेराफेरी में फंस गया बॉलीवुड का सर्किट, अरशद वारसी पर सेबी का एक्शन लगाया बैन। जी हां दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयरों की हेराफेरी के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी पर एक्शन लिया है। नियामक ने वारसी और उनकी पत्नी पर मार्केट में कारोबार करने पर बैन लगा दिया है। यह कदम सोशल मीडिया के जरिए कंपनी के शेयरों को खरीदने का सुझाव देने वाले एक भ्रामक वीडियो को लेकर उठाया गया है। दरअसल दोस्तों, सेबी को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि साधना ब्रॉडकास्ट के स्टॉक्स की कीमतों में हेराफेरी की जा रही है। जो यूनिट्स ये काम कर रहे हैं वे शेयरों को निकाल भी रहे हैं। इस मामले की जांच करते हुए बाजार नियामक ने गुरुवार को अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर्स समेत 44 यूनिट्स को सिक्योरिटी मार्केट में कारोबार करने से बैन कर दिया। ब्रॉडकास्ट कंपनी के जिन प्रमोटर्स को सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया गया है उनमें श्रेया गुप्ता, सौरभ गुप्ता, पूजा अग्रवाल और वरुण M शामिल है।